देखा जो उनको बांटते मैंने विषों से बढ़कर दस्ते आता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया इतना सरकार ने अता किया मुझे गनी कर दिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला रहमतना صلی علی محمد फरमाते हैं कि शैतान जो है शैतान उसका और बंदा जो है उन दोनों का ऐसे मुकाबला है जैसे कि दिन रात होती है। यानी जूं ही दिन निकलता है रात आ जाती है, रात जाती है दिन आ जाता है। तो आपने फरमाया कोई ये ना समझे कि शैतान चला गया है। शैतान हर वक्त इंसान के जिस्म में रहता है, दिलो दिमाग पर सवार रहता है, चारों तरफ से हमला करता है। सिर्फ हमला नहीं कर सकता तो ऊपर से नहीं कर सकता। तो आप फरमाते हैं जो अल्लाह का जिक्र है वो जब जिक्र करता है तो उसका शैतान भाग जाता है, उसको आग लग जाती है और इंसान उसकी वसवसों से बच जाता है। और वसवसा जो है ना इसका मतलब ही शैतान है। और जो जिक्र से गाफल हो जाते हैं शैतान उनके दिलो दिमाग में पंजा काट देता है। वो अपने आप को समझते हैं बड़ा कुछ है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। मेरे किबला आलम रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि एक अल्लाह के वली थे तो उनको शैतान मिला। ये कहीं को मिलता भी है अल्लाह वालों को। और जितना कुछ ज्यादा परहेजगार होता है ज्यादा हमला तेज करता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ताकत दे रखी है, यही आजमाइश है। तो आप फरमाते थे कि जब वो सामने आया तो अल्लाह का बंदा कहता है ओ शैतान तू किधर? उन्हें कहा जनाब मैं बस अपने कम लगे। उन्हें फरमाया बड़े संगल थे, बड़े मतलब रस्से फड़ गए, एक एक किधर चाहे नहीं। उन्हें जनाब है बंदे पालना, उन्होंने अल्लाह तरफ नहीं जान देता, मैं छेक के अपने वाल कर लेता। उन्हें फरमाया को मनु पाए ही, बड़े 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 परहेजगार आदमी थे वो, अल्लाह के बड़े काम बंदे थे। फरमाया मैंने 3-4 साल हुए आपको पाया हुआ, आपको डाला हुआ है रस्सा। वो बड़े हैरान हुए कि मैं तो अल्लाह अल्लाह करता हूँ, बड़ी जिक्र फिक्र करता हूँ, ये क्या बकवास कर रहा है। उसने कहा है तो शैतान, लेकिन बात तो एक बता दे कि कैसे डाला हुआ है, मुझे मेरी समझ में बात नहीं आ रही। उसने कहा हुजूर आपका एक मरीज जो है ना वो बादशाह है, और जब आप बादशाह के दरबार में जाते हैं या उन आपको बुलाते हैं
आप अपने संगियों के साथ जाते हैं तो बादशाह उठ के खड़ा हो जाता है और अपने तख्त पर आपको बैठा देता है। जब बैठाता है तो आप अपने दिल में कहते हैं देखा बादशाह वक्त में मेरी इज्जत करता है। तो ये मैंने आपने फरमाया तो सच कहा था कि वाकई ये बात है। लेकिन अब याद रखना मेरी बात, अब मैं ये पंजा तेरा जो है, ये रस्सा जो है, ये सिग्नल जो है, ये चैन जो है, मैं तोड़ कर रख दूंगा, देखी जाएगी। आपने फिर एक दफा गए फरमाया बादशाह के दरबार में जाके साथ वो गाने वाले डोल मक्के वाले ले गए तो दरबार को कहा भाई बता दो बादशाह को कि तुम्हारे हजरत साहब आ गए, पीर साहब आ गए। अब तो माशाल्लाह नाचने कूदने वाले पीर भी ऐसे ही हैं, हमारा अल्लाह माफ करे, हम ऐसे नहीं है इंशाल्लाह। हम शरीयत के खिलाफ बिल्कुल ना देखना पसंद करते हैं, ना देखना ना करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हम बड़े कामल हैं, ये भी दावा नहीं करते। सिर्फ इतनी बात मैं जरूर करता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ, माना का मेरा नेकू में नाम नहीं, माना के मेरा नेकू में नाम नहीं, गुलामों में ख्वाजा असलम का मैं कोई आम नहीं। तो अल्लाह महफूज फरमाए शैतान से, ये हर के साथ होता है। थोड़ी सी तारीफ करो इंसान आपे से बाहर हो जाता है। और हजरत ख्वाजा हसन बसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के खलीफे हैं, आपसे गरका लिया है, आप फरमाते हैं हम किसी पर इतनी करता, मैं आपका फरमान जो है वो मैं कह रहा हूं, आप फरमाते हैं जब उलमाए किराम खड़े होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, तो वो कहते हैं भाई मैं तो अनपढ़ सा आदमी हूं, एक तालिब इल्म हूं, वो फरमाते हैं वो भी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं, ये भी जायज नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे हाथ पर बैत कर लो तो तुम ख्वाजा जो है ना मयूर चिश्ती उनके मरीद हो जाओगे, और कोई लोग कहते हैं मेरे हाथ पर हाथ दे दे ख्वाजा अपने पीर ना पीर अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक के मरीद हो जाओगे। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो है वो किसी के मरीद नहीं होते, वो किसी के मरीद नहीं होते। क्यों? कभी आपसे किसी ने पूछा हो तुम किसके बेटे हो तो क्या दादे का नाम बताते हो या परदादे का नाम बताते हो? अलाली बच्चा जो है वो कहता है मेरे बाप का नाम इब्राहिम है, अपने बाप का नाम देता है। और पीरी मीती है भी यही कि वो जो बड़े हैं उनका नाम ना ले, अपने पीर का गुलाम हो, वो उसका गुलाम, वो उसका गुलाम। बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं बाकी मेरी बैद हो जाओ तो तुम फलां के बैद हो जाओ, नहीं सिलसिला चाहे वो ही हो लेकिन पीर अपने का नाम लो, पीर अपने का नाम लो। हजरत ख्वाजा मुईजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुरीद खास मुख्तारे काकी रहमतुल्लाह की बारगाह में आए, तशरीफ लाए, मरीद के पास आए और उनका मरीद हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह वो उनकी बारगाह में हाजिर थे। इतने में ख्वाजा आलम मुईजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तशरीफ ले आए मुख्तारे काकी रहमतुल्लाह की बारगाह, आप उठ के खड़े हो गए मेरे मुर्शिद आ गए। और जब आपका मरीद आया बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह जब तशरीफ लाए तो आपने अपने पीर के पांव चूमे, हाथ चूमा, उधर नहीं गए ख्वाजा मुईजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की तरफ नहीं गए, उनके पहले हाथ चूमे, कदम बोसी की और ख्वाजा मुख्तारे काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको पकड़ के अपने पीर के कदमों में डाल दिया।